हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड जो डिप्लोमा होल्डर के लिए है, ठीक है, देखते हैं। अभी ये इंडियन कोस्ट गार्ड अप्लाई ऑनलाइन 23 तारीख को स्टार्ट होगा और लास्ट डे इसका है 1 तारीख, और जो अगस्त का 1 तारीख को वो जो लास्ट डेट होगा। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ, 23 तारीख से शुरू होगा, 1 तारीख को फिर ख़त्म हो जाएगा। 8 या 7 दिन इसमें रहेगा, इसीलिए मैं इसको पहले से लेकर आई हूँ, ठीक है। आप सही तरह से देख सके, इसमें सोच सके और इसमें जो अप्लाई कर सके, ठीक है। पहले मैं इसके साइट में जो नोटिफिकेशन है इसको दिखाता हूँ। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये कौन सा लाइन है, ये डिप्लोमा होल्डर के लिए। जो डिप्लोमा होल्डर है इसको ये जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये यांत्रिक 1/2019 बैच के शुरू होगा जो आएगा, ठीक है। मैं पहले उसका गाइडलाइन में बता देता हूँ। एजुकेशन क्या है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ता है, ग्रेजुएशन सिर्फ डिप्लोमा के लिए है, क्योंकि ये सिर्फ 18 से 22 साल के अंदर में जो डिप्लोमा पास आउट हुए वो ही पकड़ सकते हैं, नहीं तो इसमें एज रिलैक्सेशन है। अभी एज रिलैक्सेशन ओबीसी, जो ओबीसी करते हैं ओबीसी का 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, और जो एसएसटी के लिए इसके लिए 5 साल के लिए है। जो इसका पे स्लिप है उस तो बाद में है, पहले इसमें कैसे कैसे वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, वही चीज़ पहले बतानी है। देखिए, पहले अपना 23 तारीख से शुरू होगा ये जो जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड है। जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड को पहले ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो न्यू इवेंट आता है उसमें आगे आएगा हेडलाइन न्यू इवेंट सीजी। मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ, पर वो तो ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ दिखाने के लिए मैं दिखा देता हूँ। फिर 23 तारीख को जो अप्लाई ऑनलाइन होगा उससे भी एक वीडियो करके आपको बता दूँगी। ये 23 तारीख से खुल लेगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा खुल गया ये लाइन, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिशियल रिक्वायरमेंट वेबसाइट है। ये सा आएगा एक पेज, जो कैरियर एंड सीजी ये है, इसमें डालना है, कैरियर सीजी में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये यांत्रिक के है, ये यांत्रिक के लिए है। ये सिर्फ इतना दिखा रहा है, पर जो 23 तारीख के बाद ये सभी दिखाएगा, किधर किधर डालना है, कैसे। मैं आपको और एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये कैसे निकालना है, नहीं तो इसमें भी आएगा ये रिक्वायरमेंट, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट सीजी ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा पर अभी नहीं खुलेगा, ये सिर्फ देखो इतना ही आएगा, सेंशन एक्सपायर्ड। उसके बाद जो 23 तारीख के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना है, ये 23 तारीख के बाद और एक वीडियो में डाल के दिखाऊंगा, क्योंकि ये 8 दिन से है, इसीलिए 8 दिन के बाद ये एक्सपायरी हो जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी से करना। ये एक अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा वाले के लिए, ठीक है, थैंक यू। इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ये तीनों साइट है, और सिविल का नहीं है, सिविल और आईटी डिपार्टमेंट जो है इसमें नहीं है, सिर्फ तीनों ब्रांच का है, ठीक है। आपको धन्यवाद, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए दोस्तों।